नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द्वारका सागर भूमि और श्री कृष्ण मंदिर की खोज की यात्रा करेंगे और इस यात्रा में जानेंगे बहुत सारे रहस्यमय पहलू पर गौर करेंगे। अरब सागर में एक आध्यात्मिक यात्रा परिचय। भारत के पश्चिमी तट पर बसा मनमोहक द्वारका शहर न केवल ऐतिहासिक महत्व का स्थान है बल्कि एक गहन आध्यात्मिक गंतव्य भी है। भगवान कृष्ण के साथ अपने जुड़ाव के लिए प्रसिद्ध द्वारका दुनिया भर के लाखों भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती है। जो बात इस स्थान को और भी अधिक आकर्षक बनाती है वह है द्वारका सागर भूमि की किंवदंती, जो एक जलमग्न प्राचीन शहर है जिसे भगवान कृष्ण की पौराणिक द्वारका माना जाता है। श्री समर्थ नाना टूर सासवड यांच्या वतीने आपलं सर्वांचं भेट द्वारका या ठिकाणी सहर्ष स्वागत। पुराणात अशी आख्यायिका आहे की ही जी द्वारका आहे आपण हे समोर पाहतोय एक बेट आहे। याचा जर हवाई तुम्ही व्ह्यू पाहिला तर हा एक शंखाच्या आकाराचं बेट आहे, त्यामुळे त्याला शंखद्वार असं म्हणतात। या ठिकाणी श्रीकृष्णाची सोन्याची द्वारका होती, पण ज्यावेळेस यादव कुलाचा विनाश झाला त्यावेळेस श्रीकृष्णाने ही द्वारका समुद्रात बुडवली अशी आख्यायिका आहे। आता या ठिकाणी श्रीकृष्ण आणि सुदामा यांच्या भेटीचं एक मंदिर आहे, त्या मंदिरात जायचंय आपल्याला। त्याच मंदिराला भेट द्वारका असं सुद्धा म्हणतात कारण की श्रीकृष्ण आणि सुदामाची त्या ठिकाणी भेट झालेली। समुद्र अरबी समुद्रात हे बेट आहे। इस यात्रा में हम द्वारका सागर भूमि के रहस्य और श्री कृष्ण मंदिर की भव्यता का पता लगाने के लिए एक यात्रा शुरू करते हैं। द्वारका सागर भूमि और श्री कृष्ण मंदिर की अंतर्निहित कहानियों के साथ एक ऐसा स्थान है जहां पौराणिक कथाएं वास्तविकता से मिलती हैं। चाहे आप इतिहास में रुचि रखते हो, पुरातत्व में रुचि रखते हो या एक श्रद्धालु तीर्थयात्री हो, द्वारका रहस्यवाद और आध्यात्मिकता का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। द्वारका सागर भूमि की किंवदंती विश्वास की स्थायी शक्ति की याद दिलाती है, जबकि श्रीकृष्ण मंदिर भगवान कृष्ण की दिव्य उपस्थिति के लिए एक राजसी प्रमाण के रूप में खड़ा है। जैसे ही आप द्वारका के चमत्कारों का पता लगाएंगे, आप न केवल अतीत के रहस्यों को उजागर करेंगे बल्कि भगवान कृष्ण के निवास के कालातीत सार के साथ गहरा आध्यात्मिक संबंध भी अनुभव करेंगे। द्वारका सागर भूमि की कथा द्वारका समुद्री भूमि, जिसे अक्सर द्वारका नगरी कहा जाता है, की कहानी जितनी मनोरम है उतनी ही रहस्यमय भी। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोमती नदी के तट पर द्वारका शहर की स्थापना की थी। हालांकि जैसा कि स्वयं भगवान कृष्ण ने भविष्यवाणी की थी, द्वारका अंततः समुद्र की भेंट चढ़ गई और अरब सागर में डूब गई। समुद्र के नीचे इस प्राचीन शहर के अस्तित्व में विश्वास सदियों से खोजकर्ताओं, पुरातत्वविदों और तीर्थयात्रियों को द्वारका की ओर आकर्षित करता रहा है। पानी के नीचे पुरातात्विक खोजें 20वीं सदी के अंत में पानी के नीचे पुरातात्विक अभियानों के कारण द्वारका के तट पर जलमग्न संरचनाओं की खोज हुई, जिससे द्वारका समुद्री भूमि में विश्वास को बढ़ावा मिला। इन खोजों में पत्थर के लंगर, मिट्टी के बर्तन और प्राचीन कलाकृतियां शामिल हैं जो एक खोए हुए शहर के आकर्षक संकेत प्रदान करती हैं। जबकि शहर के अस्तित्व के निर्णायक सबूत बहस का विषय बने हुए हैं, पानी के नीचे की खोज साजिश और आकर्षण का स्रोत बनी हुई है। श्री कृष्ण मंदिर एक आध्यात्मिक चमत्कार। द्वारका शहर के मध्य में भव्य श्री कृष्ण मंदिर है, जिसे द्वारकाधीश मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण को समर्पित यह मंदिर आध्यात्मिकता और भक्ति का एक जीवंत केंद्र है। इसकी वास्तुकला, चालुक्य, राजपूत और गुजराती शैलियों का मिश्रण इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत का प्रमाण है। मंदिर का 5 मंजिला शिखर, जिसे शिखर के नाम से जाना जाता है, आस्था और भक्ति के प्रतीक के रूप में ऊंचा खड़ा है। मंदिर के अंदर भक्त भगवान कृष्ण की दिव्य मूर्ति को देख सकते हैं, जो शानदार पोशाक और आभूषणों से सजी हुई है। मंदिर परिसर में रुक्मिणी देवी, भगवान बलराम और भगवान प्रद्युम्न सहित विभिन्न देवताओं को समर्पित छोटे मंदिर भी हैं। मंदिर के भीतर आध्यात्मिक वातावरण स्पष्ट है, क्योंकि भक्त प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और हरे कृष्ण के मंत्रों में डूब जाते हैं। तीर्थयात्रा और भक्ति। द्वारका सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह एक ऐसा स्थान है जहां आस्था और भक्ति जीवंत हो उठती है। भारतातील प्रसिद्ध पर्यटन ठिकाणी जाण्यासाठी श्री समर्थ नाना टूर्स व ट्रॅव्हल्स सासवडला संपर्क करा। मोबाईल नंबर 9730445409। श्री समर्थ नाना टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स सासवड आणि सावकारदादा प्रतिष्ठान वाघापूर
यांच्या वतीनं आपणा सर्वांचं सप्तपुऱ्यांच्यापैकी एक पुरी द्वारका, चार धामपैकी एक धाम आहे द्वारका, आणि द्वारकेचं हे जे धाम आहे चार धामचं ते श्रीकृष्णाचे, लक्षात आलं का? श्रीकृष्णाची तीन धाम आहेत, एक जगन्नाथपुरी एक आहे, एक द्वारका आहे आणि एक बद्रीनाथ, आणि जे शेवटचं जे धाम आहे जे आपल्याला आता नाही रामेश्वर हे शंकराचे. तर चार धामपैकी एका धामला आपण आलोय. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे स्टोरी महाभारतातली की मथुरेला जो मथुरेचा राजा कंस, कंसाच्या बहिणीचा मुलगा श्रीकृष्ण, वासुदेव देवकीचा मुलगा, तो तिथला राजा झाल्यानंतर सततच्या युद्धाला कंटाळून मथुरा सोडून कृष्ण कुठं आला? द्वारकावनात. हे द्वारकावन आहे आणि इथं आल्यानंतर मस्तपैकी द्वारकेला हे यादव कुळ पानकनीस ज्यांचं देवक आहे ना ते इथं राहू लागले. मग इथं त्यांनी स्वतःची राजधानी राज्य बनवलं नवीन. आणि राहायला मात्र जी सोन्याची द्वारका होते ना पाण्यातली, जी तुम्ही गेला होता ना बेट द्वारकेला, ती बेट द्वारका तिथं तो त्याचा महाल होता की ज्या ठिकाणी सुदामा त्याला येऊन भेटला. कृष्ण राहायचा तिथं आणि राज्य इथं करायचं अशी ही आख्यायिका आहे. आणि अशा या पवित्र ठिकाणी आपण आलोय. ही जी नदी दिसते ना गोमती, ह्या गोमती नदीचा थोडा इतिहास आहे. फार वर्षापूर्वी दुर्गादास नावाचा एक शिष्य होता श्रीकृष्णाचा. तर रोज काय करायचा, इथून रोज गंगोत्रीला जायचा. आता ही आख्यायिका आहे. गंगोत्रीला जायचा, आंघोळ करायचा, गंगेचं पाणी आणायचं. भारतातील सर्वात पवित्र नदी आहे गंगा. त्या गंगेचा उगम स्थान आहे गंगोत्री. ती बद्री केदारच्या ट्रीपमध्ये बघा उत्तरकाशीच्या पुढे, तिथं जायचं, आंघोळ करायचा, कमंडलून पाणी आणायचं आणि कृष्ण भक्ती करायचं अशी ही आख्यायिका. पण पुढं त्याचं वय झालं, वय वाढल्यामुळं त्यानं देवाला प्रार्थना केली की देवा आता मला हे सगळं जमणार नाही, आता काय करणार. तर नदी आणि देव त्याच्यावर प्रसन्न झाला. मग त्या नदीनं काय केलं, वसिष्ठ मुलींचं नाव माहितीये का तुम्हाला? त्या वसिष्ठांच्या मुलीचं नाव गोमती. आणि मग ती गोमती इथं प्रकट झाली. कोणासाठी? दुर्गादाससाठी. पण प्रकट झाली म्हणजे आता दिसते अशी नव्हती ती, ह्याच्यातून व्हायची. कुठून? जमिनी खालून व्हायची. दिसत नव्हती ती, फक्त त्याला दिसायची. पुढे परत पांडवांच्या भीम इथं आल्यानंतर या भागामध्ये पाण्याचं जे दुर्भिक्ष होतं ते संपुष्टात आणावं म्हणून त्यांनी गोमतीचं हा किनारा निर्माण केला. आणि तीही गोमती नदी ही अरबी समुद्राला जाऊन मिळते, पाकिस्तान हाकेच्या अंतरावर. मग या गोमती नदी इथं आल्यानंतर जे श्रीकृष्णाचे जे भाविक आहेत ते नेहमी इथं आंघोळ करतात आणि आंघोळ केल्यानंतर द्वारकाधीशचं दर्शन. आता आपण आंघोळचं काय करणार नाही, पण घसरडा आहे, पुढे गेल्यानंतर थोडस पायावर पाणी घ्या आणि मस्तपैकी दर्शन करायचं. लक्षात आलं? हर साल दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लेने के लिए द्वारका आते हैं और शहर की आध्यात्मिक आभा में डूब जाते हैं. प्रसिद्ध द्वारका परिक्रमा शहर की एक परिक्रमा तीर्थयात्रियों द्वारा अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करने के लिए किया जाने वाला एक पवित्र अनुष्ठान है. यह वीडियो हमें श्री समर्थ नाना टूर्स सासवड के सौजन्य से प्राप्त हुआ है. हमारा चल उनका आभारी है. दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे नए अपलोडेड वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे. यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद.